नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि इंडिया की एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है शिपिंग सेक्टर के अंदर। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये कंपनी कैसे काम करती है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है, इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे और लास्ट में मैं आपको चार्ट्स के ऊपर बताऊँगा कि इस कंपनी में क्या कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो कंपनी कैसे काम करती है, इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और मैं ऐसे ही स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाता हूँ और मैं बेसिकली उन स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर हम स्टॉक को ख़रीद के अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आर चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को तो आप इस टाइप के वीडियोस और देख पाएंगे फ्यूचर के अंदर, और इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि ये ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन कैसे काम करती है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के बिजनेस मॉडल के बारे में, और बिजनेस मॉडल को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये ड्रेजिंग होती क्या है एक्चुअल में। तो ड्रेजिंग दोस्तों बहुत ही सिंपल है समझने में, इसमें कोई भी टफ चीज़ नहीं है। एक मैं वीडियो प्ले करता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। ये जो हवा वगैरह चलती है समुद्र में, उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो समुद्र है ना, उसके नीचे बहुत सारा कचरा जम जाता है और जब शिप्स गुजरती हैं तो उन्हें गुजरने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर आती है हमारी ड्रेजिंग। तो ड्रेजिंग क्या करती है, ये जो होल्स होते हैं समुद्र के अंदर, यहाँ से ये सारा कचरा निकाल देती है ताकि शिप्स को आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो शिप्स का आना जाना जब इजी हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ड्रेजिंग का मतलब होता है समुद्र या तालाब वगैरह में साफ़ सफाई रखना। और अगर मैं बात करूं कि ड्रेजिंग क्यों करनी चाहिए, तो दोस्तों उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि अगर आप ड्रेजिंग नहीं करेंगे तो आपका जो तालाब है, आपके जो समुद्र हैं, वो थोड़े से गंदे रहेंगे। लेकिन ड्रेजिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो समुद्र है, इसकी लंबाई और गहराई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और काफ़ी सुंदर भी लग रहा है ये, इसी वजह से ड्रेजिंग करी जाती है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि ये ड्रेजिंग की सर्विसेज किसको चाहिए रहेंगी। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, जो शिपिंग पोर्ट्स होते हैं हमारे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड वाइड, वहाँ पे इन ड्रेजिंग सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा शिप्स का आना जाना होता है और अगर कचरा जम जाएगा समुद्र के नीचे तो शिप्स को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए ये ड्रेजिंग की सर्विसेज के लिए हमारी ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। अब दोस्तों मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी कि ड्रेजिंग क्या होती है, लेकिन बहुत ही अलग अलग तरीके होते हैं ये कचरा को निकालने के समुद्र के अंदर से। अब दोस्तों ड्रेजिंग की सर्विसेज दी जाती है पोर्ट्स को, और उसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट आई थिंक इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट होगा। तो ये जो भी सी पोर्ट्स होते हैं, यहाँ पे जो साफ़ सफाई की सेवाएं हैं, जो ड्रेजिंग की सर्विसेज हैं, ये देती है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये कोलकाता पोर्ट तो हो गया इंडिया का पोर्ट, इससे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का। इसके अलावा जो दूसरे पोर्ट्स हैं वहाँ पर भी ये अपनी ड्रेजिंग सर्विसेज देते हैं, और इंडिया के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ के जो पोर्ट्स हैं ना, वहाँ पे भी ये लोग अपनी ड्रेजिंग सर्विसेज देते हैं। ये बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट है जहाँ पे ये लोग अपनी ड्रेजिंग की सर्विस देते हैं। तो ये लोग इंडिया के अलावा इंटरनेशनली भी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। इंडिया के आसपास की जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये लोग साफ़ सफाई वाला काम करते हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ इनके इनकम के सोर्सेज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 लिस्टेड सोर्स हैं जहाँ से इनकी इनकम आ रही है। अब दोस्तों मेंटेनेंस ड्रेजिंग का मतलब होता है समुद्र या तालाबों की साफ़ सफाई टाइम टू टाइम करते रहना, मतलब मेंटेन करके रखना ताकि शिप्स को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। और कैपिटल ड्रेजिंग का मतलब होता है कि नए पोर्ट्स की आप ड्रेजिंग करें, मतलब नए पोर्ट्स की आप एकदम साफ़ सफाई करके उसको एकदम नया बनाएं, तो ये होता है हमारा कैपिटल ड्रेजिंग। इसके बाद बीच वगैरह सुधारने का भी इनका काम है, रिक्लेमिनेशन का काम है, और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी सेवाएं दी जाती हैं वो ये लोग देते हैं। तो दोस्तों बाकी 4 सर्विसेज से इनका सिर्फ 5% का रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन जो मेंटेनेंस ड्रेजिंग है यहाँ से इनका 95% का रेवेन्यू आ रहा है। मतलब ये जो सी पोर्ट्स हैं इनको मेंटेन करने का जो काम है ना, वहाँ से इनका मेन रेवेन्यू आता है। और जो कोलकाता पोर्ट है इसकी तो ये लोग सर्विसिंग पिछले 30 सालों से भी ज़्यादा समय से कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि ये दर्शाता है कि जो इनके रेवेन्यूज हैं ना वो एकदम स्टेडी हैं। हर साल ड्रेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो हर साल इनको साफ़ सफाई करने में
ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की, तो दोस्तों जो सी का ट्रांसपोर्टेशन है वो इंडिया में बढ़ने ही वाला है, ये सब हम जानते हैं, क्योंकि इंडिया में ट्रेड जैसे ही बढ़ेगा आने वाले समय में जो एक्सपोर्ट हैं जो इम्पोर्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, और सी की जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो ड्रेजिंग सर्विसेज की भी हमें नीड पड़ेगी। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। और जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, लाइक श्रीलंका है हमारा, अगर वहाँ पे कल के दिन कोई पोर्ट खुलता है तो वहाँ पे ड्रेजिंग ऑपरेशन अपनी सर्विसेज दे सकता है, और थाईलैंड वगैरह, कंबोडिया, ये सारे जो देश हैं इंडिया के पास, यहाँ पे ड्रेजिंग ऑपरेशन अपनी सर्विसेज दे के थोड़े पैसे बना सकती है। और इस इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिशन है ना वो थोड़ा सा कम है, हालांकि अभी कॉम्पिटिशन थोड़ा बहुत आ गया है, अभी प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं, लेकिन पहले तो कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी नहीं था। अगर मैं बात करूँ मेंटेनेंस ड्रेजिंग की, तो इस कंपनी के पास 74% मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर। और जब मैं बात करता हूँ कैपिटल ड्रेजिंग की, मतलब नए पोर्ट की साफ सफाई करना, तो वहाँ पे 100% का मार्केट शेयर है इनके पास। तो मोनोपोली टाइप का बिजनेस है, बस मेंटेनेंस ड्रेजिंग में अब थोड़े बहुत प्लेयर आ गए हैं, लेकिन कंपटीशन काफ़ी कम है दोस्तों। अब दोस्तों एक और ग्रोथ फैक्टर जो मुझे लगता है वो ये है कि जो सेल्स है ना वो रिपीटेटिव है। अब जो कोलकाता पोर्ट है, जो विशाखापट्टनम पोर्ट है, यहाँ पे टाइम टू टाइम सर्विस देने से इनको रेवेन्यू मिलता है। और जो सेल्स है ना वो रेपिटेटिव इसलिए है क्योंकि जो इनके कस्टमर्स हैं, जो पोर्ट्स हैं, वो बार बार इस कंपनी को बुलाएंगे, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन को बुलाएंगे और उनसे बोलेंगे कि भैया आप हमारे पोर्ट की साफ़ सफाई करो। तो इस वजह से सेल्स रेपिटेटिव होने की वजह से इनकी सेल्स लॉन्ग टर्म में दोस्तों बरकरार रहेगी, ऐसा मुझे लगता है, और फ्यूचर में सेल्स बढ़ने के भी चांसेस हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ रिस्क फैक्टर्स की, तो COVID-19 का जो लॉकडाउन है वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर था इस कंपनी के लिए, और अगर आगे भी लॉकडाउन लगता है, लाइक थर्ड वेव आती है, फोर्थ वेव आती है, तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। अभी मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बताऊंगा कि कंपनी को कितना लॉस हुआ COVID-19 की वजह से, क्योंकि COVID-19 की वजह से ट्रेड बहुत ज़्यादा रुक गया था, ट्रेड बिल्कुल हो ही नहीं रहा था इंडिया में और पूरे वर्ल्ड वाइड, तो ड्रेजिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं, इस वजह से लॉस होने लगा कंपनी को। अब दोस्तों दूसरे फैक्टर्स की बात करूं तो इनका डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है कोलकाता के पोर्ट बिजनेस पे। अब ये लोग दूसरे पोर्ट्स में भी अपनी ड्रेजिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो कोलकाता पोर्ट है ना वहाँ से इनका 22% रेवेन्यू आता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। एक सिंगल पोर्ट से इतना ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है तो ये थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, क्योंकि बहुत ही कम कस्टमर्स से आपका रेवेन्यू आ रहा है। और इंडिया में जो भी मेजर पोर्ट्स हैं वहाँ पर ये लोग साफ सफाई करके अपना पैसा बनाते हैं, तो अगर एक भी पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है तो इनकी सेल्स में इंपैक्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव पड़ेगा। और दोस्तों अगर मैं दूसरे रीजंस की बात करूं तो एजिंग फ्लीट एक बहुत बड़ा रीजन है। फ्लीट मतलब नंबर ऑफ शिप्स जो कि साफ सफाई करती हैं, ड्रेजिंग वाला काम करती हैं, तो ये जो शिप्स की लाइफ होती है ये 20 साल होती है, और जब 20 साल के बाद अगर आप इनसे साफ सफाई करवाएंगे इन शिप्स से, तो हो सकता है कि भाई उसमें आपको मेंटेनेंस ज़्यादा करना पड़े और वो शिप्स ख़राब हो जाए, तो लाने ले जाने का खर्चा बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाए, तो यहाँ पे कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ सकती है अगर आपकी जो मशीनरी है वो अच्छी नहीं है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं मेरे हिसाब से जो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें PNL की, तो आप PNL में एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि जो मार्च 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पे कंपनी ने लॉस किया है 172 करोड़ रुपीज़ का, जो कि बहुत ज़्यादा है अपने आप में। अगर मैं बात करूँ पिछले सालों की, मतलब 2018, 2019 और 2020 के, तो यहाँ पे कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रही थी, लेकिन कोरोना वायरस आने की वजह से जो 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऐसी स्थिति आनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जो ट्रेड है ना वो एकदम रिज्यूम हो गया है, मतलब जो भी सर्विसेज हैं सब इम्पोर्ट हो रही हैं, जो भी सामान है वो इंडिया में आ रहा है, इंडिया में जा रहा है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एकदम बरकरार है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आगे चल के बढ़ने ही वाला है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है ड्रेजिंग कॉरपोरेशन के लिए। अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 73.47% शेयर्स हैं। यहाँ पे प्रमोटर है हमारी सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी को ओन करती है, और ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इस कंपनी की पूरी देखभाल करती है, इस कंपनी के ऑपरेशंस को देखती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे FIIs और DIIs की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जून 2021 में इनकी होल्डिंग बढ़ के 0.05% हो गई है, और यहाँ पे इनकी होल्डिंग थोड़ी सी कम है मेरे हिसाब से, FIIs थोड़े से कम स्टॉक्स यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, लेकिन जो DIIs है आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे DIIs ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। मार्च 2021 में जो होल्डिंग थी वो 6.70% थी, जून में ये होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ गई है, 6.71% हो गई है, और ये चीज़ अच्छी इसलिए है क्योंकि FIIs और DIIs ये लोग जब भी किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं ना,
तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही अपना पैसा लगाते हैं। हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह नहीं होते कि भैया कोई भी कंपनी का स्टॉक अच्छा लगा तो बस खरीद लिया। ये लोग रिसर्च करके पैसा लगाते हैं, इसीलिए FIIs और DIIs को बोला जाता है स्मार्ट मनी। और जब भी स्मार्ट मनी किसी भी स्टॉक में पैसा लगाती है ना, तो उसका शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, ऐसा मैंने देखा है। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है मार्केट का। अब अगर हम बात करें पब्लिक शेयर होल्डिंग की, तो आप देख सकते हैं कि पब्लिक जो है वो अपने शेयर्स बेच रही है। तो यहाँ पे आप एक क्लियर ट्रेंड देख सकते हैं, जहाँ पे पब्लिक अपने शेयर्स को बेच रही है, पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है, और स्मार्ट मनी यानी कि FIIs और DIIs शेयर्स को खरीद रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के लिए और इसके शेयर के लिए। अब अगर हम बात करें वैल्यूएशन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो करंट प्राइस है शेयर का वो है 374 रुपीज़। और यहाँ पे हम स्टॉक का पी रेशो इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि कंपनी ने अभी 2021 में लॉस किया था, और जो भी कंपनी लॉस मेकिंग होती है उनका पी रेशो नेगेटिव में होता है या ज़ीरो होता है। ये बात अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी कंपनी लॉस में होती हैं उनका पी रेशो हमेशा नेगेटिव में होता है या ज़ीरो में होता है। तो यहाँ पे हम पी रेशो तो यूज़ कर नहीं सकते वैल्यूएशन के लिए। लेकिन अगर हम बुक वैल्यू की तरफ नज़र डालें, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी की बुक वैल्यू है 501 रुपये पर शेयर, और अभी जो करंट प्राइस है स्टॉक का वो है 374 रुपीज़। तो बुक वैल्यू पर शेयर ज़्यादा है, मतलब जो शेयर है ना वो अंडर वैल्यूड है, कम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है अपनी बुक वैल्यू से। और मेरे हिसाब से इसी वजह से जो स्टॉक है ना वो अंडर वैल्यूड लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे बुक वैल्यू पर शेयर से भी नीचे ट्रेड हो रहा है, और जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है अगर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1000 करोड़ के आसपास है, और जब भी किसी कंपनी का मार्केट कैप छोटा होता है, जब भी कोई कंपनी मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर आती है, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कभी कभी उसको जल्दी रिकग्नाइज नहीं कर पाते, बहुत लेट रिकग्नाइज कर पाते हैं, और जब तक जो शेयर का प्राइस है ना वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो छोटी कंपनीज में ना लोग इतना जल्दी रिकग्नाइज नहीं कर पाते, पता नहीं लगा पाते कि कौन से शेयर अंडर वैल्यूड हैं कौन से ओवर वैल्यूड हैं। इसी वजह से हमें सस्ते शेयर्स कभी कभी मिल जाते हैं। अभी अगर आप निफ्टी का लेवल देखेंगे तो निफ्टी 50 17,500 पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन इस कंपनी का जो भाव है ना वो बुक वैल्यू से भी कम है। ये मेरे ख्याल से अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, और जो शेयर है वो मेरे ख्याल से काफ़ी अंडर वैल्यूड है इस मार्केट कंडीशन में। मेरे ख्याल से इतने सस्ते शेयर आपको नहीं मिलने वाले। अब अगर मैं बात करूँ चार्ट्स की, तो चार्ट्स में दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का स्टॉक है वो इस 200 दिन के मूविंग एवरेज को फॉलो करता हुआ जा रहा है। ये जो ब्लू लाइन है ना, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये 200 दिन का मूविंग एवरेज इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे, ये जो डेटा है ये 5 सालों का है, पिछले 5 सालों में जब भी स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर रहा है, स्टॉक में अप ट्रेंड रहा है, मतलब स्टॉक ऊपर की तरफ गया है, पर जैसे ही ये 200 दिन का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ जाने लगता है, शेयर का प्राइस भी नीचे की तरफ जाने लगता है। और अभी आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है ना वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो जब भी स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड होगा, इसका मतलब ये है कि स्टॉक में अप ट्रेंड है। इसी वजह से 200 दिन का मूविंग एवरेज टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। और मैंने सोचा ये आपको बता दूं, और मैं अभी आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूं इसमें इन्वेस्ट करने का, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं होता और मुझे इन्वेस्ट करना होता है इस स्टॉक में, तो मैं अभी करंट प्राइस पे खरीद लेता जो कि 374 रुपीज़ का है, और मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करता 350 रुपीज़ का, और 350 रुपये का स्टॉप लॉस इसलिए मेंटेन करता क्योंकि जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है ना वो इस जगह पे ब्रेक हो जाता। तो दोस्तों मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, अभी स्टॉक का करंट प्राइस है 370 रुपये, तो अगर मैं करंट प्राइस से बाय करूँगा और यहाँ पे 350 रुपये का स्टॉप लॉस रख के इसमें एक पोजिशन बनाऊँगा, तो मेरा जो रिस्क है ना वो एकदम कम हो जाएगा, और मैं स्टॉक को तब तक होल्ड करूँगा जब तक ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं ट्रेड करता। क्योंकि जब तक स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड है ना वो ऊपर की तरफ है। तो जब तक ट्रेंड ऊपर की तरफ है मैं स्टॉक को होल्ड करना चाहूँगा, और जैसे ही ट्रेंड नीचे की तरफ चला जाएगा, मतलब जैसे ही स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे की तरफ चला जाएगा, मैं उसको सेल कर दूंगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो कि मेरे ख्याल से आप यूज़ कर सकते हैं इस स्टॉक में, और स्मॉल कैप स्टॉक्स में आप ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करके कम से कम रिस्क में अच्छा पैसा बना सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपके दिमाग में कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है तो आप वो यूज़ करके ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर। अब दोस्तों मैं यहाँ पे स्टॉक एनालिसिस इतना अच्छे से इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मुझे समझ है कि फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे काम करता है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक को फाइनेंशियली एनालाइज कैसे किया जाए, तो मेरे ख्याल से आपको ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए।
जो कि ऑफर कर रहे हैं elearnmarkets.com वाले। इस कोर्स का नाम है बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अगर आप ये बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वाला कोर्स करेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, आपको ये सीखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको ये सीखने को मिलेगा कि फाइनेंशियल रेगुलेशंस क्या होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस से क्या मीनिंग हम निकाल सकते हैं, इनको इंटरप्रेट कैसे किया जाए, और ये जो हमारा करेंसी होता है, जो फिक्स्ड बॉन्ड्स होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो आपको ओवरऑल एक फाइनेंशियल मार्केट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बेसिक लेवल के ऊपर। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इनका कोर्स बहुत अच्छे तरीके से डिजाइंड है और आपको सर्टिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप सारे टेस्ट इनके क्लियर कर लेंगे। तो अब दोस्तों अगर मैं बात करूं इस कोर्स के प्राइस की, तो इस कोर्स का प्राइस है 4,720 रुपये। लेकिन अगर आप मेरी दी गई लिंक पर क्लिक करेंगे, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको ये कोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। तो एक पेड कोर्स जिसका प्राइस है 4,700 रुपये, वो आपको मिल रहा है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको इस बढ़िया से ऑफर का फायदा उठाना चाहिए। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें, मेरा कूपन कोड आयुष10 है, उसका यूज़ करिए आप। और जैसे ही आप उस आयुष10 कूपन कोड का यूज़ करेंगे, आपके लिए कोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो जल्दी से जाइए, इस कोर्स के लिए साइनअप करिए और फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बहुत अच्छे से सीखिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अगर आप स्टॉक एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको मेरे चैनल का कॉन्टेंट बहुत पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में।